हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DIY कार्ड पे सिल्विया चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा यूजफुल आइडिया जिससे कि आप पुरानी टी शर्टों का इस्तेमाल करके बहुत सारी यूजफुल चीजें घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे पास ना ये बहुत सारी पुरानी टी शर्ट ऐसे ही रखी हुई थी, तो आज मैं इनका इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ फ्लोर सोफा। तो सबसे पहले तो मैंने ये टी शर्ट ली है और इसको हम इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। तो टी शर्ट को हमने इस तरह से उल्टा करके रख लिया है। अभी हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो लेंथ लेनी है हमें 19 इंच, तो इस तरह से हमें ऊपर 19 इंच पे निशान लगाना है। और विड्थ भी लेनी है हमें इसकी 19 इंच, तो इस तरह से 19 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बस इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। तो ये पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो 19x19 इंचेस के ये टू पीसेस हमने कट करके रेडी कर लिए हैं। तो बस इसी तरह के पीस हमें कट करने हैं। तो ये टू पीसेस हमारे कट हो गए हैं। तो अभी हमें इनके कॉर्नर्स की मार्किंग करनी है इन दोनों ही पीसेस की। तो इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और बस इन निशानों को हमें मिला लेना है, इस तरह से मिला देंगे और ये बॉक्स हमारा बनके तैयार हो गया है। बस इसी तरह के बॉक्सेस हमें तीनों कॉर्नर्स पे बना के तैयार करने हैं। तो चारों ही कॉर्नर्स की हमारी मार्किंग हो गई है और इस तरह के बॉक्सेस हमने चारों कॉर्नर्स पर बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हमें इनकी कटिंग करनी है, तो कटिंग कर लेते हैं। तो चारों कॉर्नर्स की कटिंग हमारी हो गई है। अभी हमें सिलाई लगानी है, तो सीधे सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन फोर्थ वाली साइड हमें हाफ हाफ में सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ हाफ में। तो ये सिलाई लगा के हमने इसको तैयार कर लिया है। अभी हमें इसके कॉर्नर्स पे भी सिलाई लगानी है, तो इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और चारों कॉर्नर्स पे बस हमें इस तरह से पकड़ते हुए सीधे सीधे सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया है, चारों ही कॉर्नर्स पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है और ये ओपन साइड है, यहीं से हमें इसमें पुराने कपड़ों को फिल करना है। अगर आपके पास पुरानी कॉटन हो या मार्केट से हम फॉर्म वगैरह भी खरीद के इसमें फिल कर सकते हैं, तो मेरे पास जो पुराने कपड़े रखे हुए थे मैं उनको इसमें फिल कर लूंगी। तो अच्छे से एक एक कपड़े को हम डालते जाएंगे और अच्छे से इसको हम दबा दबा के फिल करेंगे। तो बस अच्छे से हमने इसको दबा दबा के फिल कर लिया है। अभी ये ओपन साइड है, इसमें भी हमें सिलाई लगा के इसको फिनिश करना है। तो सुई और धागे की मदद से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई हमने लगा ली है, अभी धागे को कट कर देंगे। तो अच्छे से हमने इसमें सिलाई लगा ली है और कपड़ों को भी हमने इसमें अच्छे से दबा दबा के फिल किया है। अभी हमें इसमें बॉर्डर बनानी है, तो ऊपर की साइड हमें चारों तरफ इसमें बॉर्डर बना के इसको तैयार करना है। तो सुई और धागे की मदद से हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे, इस तरह से उंगलियों की मदद से आगे की साइड से पकड़ते जाएंगे और सुई और धागे की मदद से हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो वन साइड हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और इस साइड भी यहाँ तक हमें इसमें बॉर्डर बनानी है। तो इस तरह से सुई और धागे की मदद से इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो दूसरी साइड भी हमारी सिलाई लग चुकी है, अब फिर से इसको टर्न कर देंगे। अब तीसरी साइड भी इसी तरह से हमें बॉर्डर बना के इसमें तैयार करनी है। तो तीसरी साइड भी हमारी बॉर्डर बन चुकी है, हम इसको फिर से टर्न कर देंगे और यहां तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चारों तरफ हमने बॉर्डर बना ली है, अब इसको अच्छे से सुई और धागे की मदद से पक्का कर देंगे। अब हम धागे को कट कर लेंगे। तो चारों तरफ हमारी जो बॉर्डर है वो बन चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के तैयार किया है। बस इसी तरह से हमें बैक साइड भी इसमें बॉर्डर बना के इसको तैयार करना है। तो बैक साइड भी हमें चारों तरफ इसी तरह से इसमें बॉर्डर बनानी है। तो बस इसी तरह से हमें सुई और धागे की मदद से चारों तरफ बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट करना है। तो बैक साइड भी हमारी चारों तरफ बॉर्डर बन के तैयार हो गई है। अभी हम धागे को कट कर देंगे इसको अच्छे से पक्का करने के बाद। तो फाइनली हमारा जो फ्लोर सोफा है वो बनके तैयार हो गया है और फ्रंट और बैक दोनों ही साइड हमने इसमें बॉर्डर बना के इसको तैयार कर लिया है और 19x19 इंच का ये फ्लोर सोफा हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको बिग साइज फ्लोर सोफा बनाना है तो आप इसी आईडी से बिग साइज फ्लोर सोफा भी आसानी से घर में बना सकते हैं। जिस तरह से हमने इसको 19x19 इंच का फ्लोर सोफा बनाया है, आप तकरीबन 40x14 इंच इसकी लेंथ और विड्थ रखते हुए 5 सोफे बना के तैयार कर लीजिएगा और उनको एल शेप में आप रख दीजिएगा। इस तरह से आपका बिग साइज फ्लोर सोफा आसानी से घर में बन के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखने की बात यह है, जब हम इसको फिल करेंगे तो अच्छे से हमें इसमें कपड़ों को दबा दबा के फिल करना है ताकि ये इधर उधर से नहीं बैठे। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने कपड़े और पुरानी टी शर्ट का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।